यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की ओर से जिले के सभी दिव्यांगजनों को विशेष आमंत्रण पत्र भेजकर 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य रूप से भाग लेकर उम्मीदों पर खरा उतरने की बातें कही गई है। आज प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि दिव्यांगजनों की जरूरत के अनुसार रैंप, ट्राईसाइकिल व अन्य सुविधाओं का इंतजाम मतदान केंद्रों पर किया गया है। यह उपाय भी वोट प्रतिशत बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार सभी लोगों के लिए सुलभ मतदान होने के क्रम में दिव्यांगजनों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए सुगम मतदान की भी सोच को कंसीडर किया है। उस क्रम में हम लोग गतिविधियां कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इस पलामू जिले में जो भी मतदातागण दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उन सभी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पलामू की ओर से पर्सनल व्यक्तिगत पत्र भेजा गया है, जो उनको 29 अप्रैल को संबंधित मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के क्रम में उनको इनविटेशन के तौर पर भी काम करेगा, इंटीमेशन के तौर पर भी काम करेगा और मोटिवेशन के तौर पर भी काम करेगा। तो मुझे इस क्रम से पूरी उम्मीद है, आशा भी है कि ये डेफिनेटली जागरूकता का एक माध्यम भी बनेगा और लोगों में इस चीज़ इस पत्र के आधार पर एक जागरूकता भी आएगी और वो लोग वोट देने के लिए मतदान दिवस के दिन वोट मतदान केंद्रों पे जरूर टर्न अप होंगे और जिससे कि पलामू में जो वोट प्रतिशत है वो डेफिनेटली बढ़ेगा।